टाइम चेक कर लो, रात के 11:50 हो रहे हैं और ये माहौल देखो। आज की वीडियो यार बहुत ही ज्यादा कमाल होने वाली। जिस जगह पे आया हूँ रात को 11 बजे ऐसा माहौल है खाने के लिए, डिनर के लिए भाई वेटिंग चल रही है, लोगों के पास टेबल नहीं है, पैकिंग नहीं हो रही, इतना माहौल खतरनाक वाला ना, लोग इतना प्यार कर रहे हैं इस ढाबे के साथ। आओ चल के सारा ढाबा दिखाता हूँ। तो यार मैं आ गया हूँ ढाबा के अंदर। सर थैंक यू, आपने सबसे पहले टाइम दिया। अभी मैं देख रहा हूँ पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, पूरी आपकी वेट हो रही है, फिर भी आपने हमें टाइम दिया, तो सबसे पहले दोबारा थैंक यू आपका। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम टीटा ही है। आप ही के नाम से ढाबा है? तो टीटा सर बहुत मशहूर है ढाबा आपका, दिल्ली में बहुत नाम है, और पीछे मैं देख ही रहा हूँ लोगों का प्यार। तो एक बार दिखाइए किचन में रहता क्या क्या आपने। तो टीटे भैया सब कुछ दिखाने लगे हमने। रात के 11 बज रहे सर, मेरे को लगता है ऑलमोस्ट सारी सब्जियाँ भी खत्म ही है। और ये आ गया बैंगन का भरता, और लुक देखो वाह। तंदूर में बनता सर बैंगन अपना? तंदूर में ना। और पीछे मीठे के लिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन पड़े। वाह भाई, इतना बढ़िया खाना खाओगे तो मीठे की कमी ना रहे। चाप मसाला वाह, दिल्ली में सर चाप बहुत पसंद करते हैं लोग, है ना। ये आ गए पंजाबी छोले, बढ़िया ऊपर रोगन है, मिर्ची का तड़का लगा हुआ है, काफ़ी सुंदर लुक है। ये आ गए जी कढ़ी और पकौड़ा एकदम गाढ़े गाढ़े। और इस टाइम जो माहौल है ना, पूरा सीन पैक है, कस्टमर्स की आवाज़ें आ रही। भाई भाई पीछे किचन शेफ साहब देखो ऑर्डर्स लगाए जा रहे। सर नेक्स्ट दिखाइए। ये आ गया जी पालक पनीर, अभी अधूरा है, तड़का लग के पूरा हो जाएगा। ये है भाई शाही पनीर की शाही ग्रेवी, ये भी तैयार होगा अभी। वाह अच्छा, ये अभी तड़का अधूरी है, अधूरी है। तो अभी मतलब मोहतरमा पूरी तैयार नहीं है, पार्लर जाएगी, रेडी हो गया। हां जी बिल्कुल, क्या बात। दाल मखनी, दाल ये भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। हां जी अच्छा, अधूरी ये भी अधूरी है। हां जी बाबू जी, क्या बात है। ये आगे आ गया जी मिक्स वेज, और मिक्स वेज एकदम खिली खिली बढ़िया। मटर पनीर की ग्रेवी, इसमें तड़का वहीं पे लगेगा। मटर पनीर मटर मशरूम की ग्रेवी, तड़का वहीं पे लगेगा। बहुत ही बढ़िया, काफी बड़ी बोन मैरी है, पर ऑलमोस्ट सारी सब्जियां खत्म होने वाली है अभी। ये गोभी मसाला, ये आ गया जी, इसमें भी तड़का लगेगा, काजू का तड़का लगेगा। ये बहुत फेमस अपना ना गोभी मसाला, बहुत ही बढ़िया। तो सर सामने क्या चल रहा है एक बार दिखाइएगा, ये क्या लग रहा है? दम आलू, ये शेफ साहब बना रहे दम आलू, बहुत ही बेहतरीन। अरे वाह, ये सर बम गिर रहा है कुछ, ये क्या है? बम में समझ लो, दम आलू है। ये आलू का बम है, बहुत ही बढ़िया है, एकदम बड़े साइज का आलू। वाह तैयार भी हो गया शेफ साहब, क्या कमाल है यार। आलू का साइज देखो आप, एकदम डिफरेंट रेसिपी लग रही है, बहुत ही बेहतरीन। सर आप चला ढाबा रहे हैं, बट आपके लुक बिल्कुल बॉलीवुड जैसी है। ये तो आप लोगों का प्यार है, जैसा एक बॉलीवुड फिल्म में एक्टर जाते हैं सर, बिल्कुल आपने वैसा अपने आप को मेंटेन किया, बहुत ही बढ़िया। तो ये अब क्या लग रहा है सर? ये पनीर भुर्जी बनाएंगे। पनीर भुर्जी? हाँ जी, क्या बात है यार, ऐसी पनीर भुर्जी नहीं देखी। मटर पनीर वाला फ्लेवर आएगा इसमें ना? हाँ जी, ये साथ में पनीर आ गया जी, हाथ से क्रश किया हुआ, बहुत ही बढ़िया। सर टाइमिंग क्या रहती है अपने ढाबा की? सुबह 11 से रात को 11:30-12 तक। तो सर क्या खिलाएंगे आप अभी, जो आपके ढाबे के से स्पेशलिटी हो, जो बढ़िया आपको पसंद हो खुद खाने में, वो लगा के दिखाइए। सर ये क्या लगवा के दे रहे हो आप इस टाइम? बाबू जी गोभी मसाला बन रहा है आपके लिए। ये बन रहा है जी गोभी मसाला, और गोभी मसाला के अंदर भाई काजू, क्या बात है जी। काजू तैयार है, गर्मा गर्म पैन आ गया जी बॉन मेरी के पास। ये आई बीच में गोभी, वाह। तो कहते हैं दिल्ली आए और आके टीटे के ढाबे के गोभी मसाला नहीं खाया तो दिल्ली ट्रिप अधूरा रह गया। तो ये ढाबा का नाम बनने के बाद की रेसिपी है जो सर ने बनाई, तैयार भी हो गई, क्या बात है यार। इतनी जल्दी अगर फंक्शन में जाने के लिए भाई लेडीज तैयार हो जाए घर की, तो सर ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, है ना। ये लग रहा है भाई पनीर बटर मसाला, पैन के अंदर आ गया ढेर सारा पनीर, साथ में प्याज। तो सर लगा के दिखा रहे हैं जी तड़का, पहले पनीर आ गया, शिमला मिर्च आ गई, साथ में आ गया जी नमक। आपने सर खुद कितने साल संभाला है किचन? 10-12 साल संभाला है। 10-15 साल खुद? हाँ जी। वाह बढ़िया ना, स्पाइसी पनीर रहने वाला है। वाह, तो आपके ढाबे में सर आपको सबसे ज़्यादा यही पनीर पसंद है? तो बाबूजी सभी पसंद है, माँ के लिए सर सब बच्चे बराबर ही होते हैं। सही है। और स्पीड सर की खाना बनाने की पता लग रहा है कि पूरा एक्सपीरियंस है ढाबा पे। यहाँ मैंने यार कस्टमर को ऑर्डर के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं करवाया जाता, जितने टाइम में आप सोचोगे ना आपको खाना गया उतनी देर में टीटे सर बना के दे देंगे। ये है जी पनीर बटर मसाला बन के तैयार। ये लग रही है टीटे के ढाबे की फेमस दाल मखनी, पूरी स्मोकी टेक्सचर वाली। पनीर भी आ रहा है जी दाल के अंदर, दाल बन दिल्ली में रही है पर स्टाइल पूरा पंजाब वाला ही है। टेक्सचर चेक करो यार दाल का, क्या कमाल का टेक्सचर आया। ये ऊपर आ गया रोगन, इतना जल्दी यार मैगी नहीं बनती, कंपनी क्लेम नहीं करती कि 2 मिनट में मैगी बन जाएगी, बट ये देखो 2 मिनट के अंदर दाल तैयार। क्या कह रहे हो आप?
क्या बात है। तो बाबा की फुल कृपा कहते हर चीज़ यहाँ पर टाइम से पहले बन जाती है। बहुत ही बढ़िया मेरे दोस्त मेरे भाई, माहौल ऐसा है कैसा बताऊँ आपको। रात के 12 बज चुके हैं पर भाई दीवान की नहीं रुक रही, बाहर पूरा जैम पैक माहौल है, लोग अभी भी आ रहे हैं। और कई तो ऐसे कि भाई ये दे दो वो दे दो, कह रहे खत्म है, मान नहीं दे रहे लोग, कहते यार इतनी जल्दी खत्म हो गया, ऐसा माहौल। अब आ गया वो, ये देखो ये अपना सामने लगा हुआ खाना भाई, देखा गोभी मसाला, घर में बोले मम्मी भाई गोभी मसाला खा ले बंदा, ऐसे पता कैसे करता मुँह ऐसे, नहीं गोभी नहीं गोभी नहीं, मनुष्य लग रहे हो मत करो रहने दो। अरे ढाबा में मेरे को पनीर से सुंदर गोभी लग रही है। ये साथ में है जी पाइनएप्पल रायता, और ये देखो रायते वायते तो भाई जिंदगी में बहुत फैले, उसको छोड़ो ये देखो पहले भाई पनीर बटर मसाला, पनीर देख रहे हो, मतलब 300 किलोमीटर दूर ना देश पंजाब की याद आ गई है, ऐसा घी और बटर तो भाई बॉर्डर पार चलता है हमारे। पर इधर देखो, और ये आ गई दाल, ओहो ये जी ऊपर मक्खन, साथ में क्रीम, पनीर वनीर गला हुआ, बहुत ही कमाल का फूड, साथ में बढ़िया लच्छे परांठे हैं। सारा कुछ बताने का आपको ये कारण था कि आपके मुंह में पानी आए, अब आया ना मेरे को पता है, तो शुरुआत करते हैं। तो भाई शुरुआत ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं, आओ थोड़ा थोड़ा डालेंगे ये सात लच्छा परांठा, ओए होए एकदम बढ़िया कुरकुरा फ्लेकी। भैया एसी थोड़ा ऊपर कर दो, मुंह पे थप्पड़ मार रहा सीधा, शाबाश। ठंडी हवा आ रही है, गर्मा गर्म खाना मेरा ठंडा ना हो जाए, तो यहाँ आओ ऐसे दबाना। ओहो इतना सॉफ्ट पनीर, इतना जल्दी तो भाई दिल नहीं टूटता जितनी जल्दी पनीर टूट गया। रिच ग्रेवी है, रिच अमीर ग्रेवी, बढ़िया फ्लेवर, कमाल का पनीर है, पनीर की ना क्वालिटी बहुत सॉफ्ट है। बत्ती हमारी धोखा देगी तो बिना बत्ती देख लो भाई, पनीर कमाल का है, गुड ग्रेवी, अब पता लग रहा रश क्यों है। बाकी अगली सब्जी ब्याह फटाफट। और ये आ गई भाई दाल मखनी यहाँ की, ये थोड़ी देखने में रेस्टोरेंट साइड लग रही है, क्योंकि क्रीम व्रीम डाल के ना इसका रंग थोड़ा अलग कर दिया, पंजाब साइड चलती बिल्कुल काली देग वाली दाल, यहाँ पे थोड़ी फैंसी भाजी, क्रीम व्रीम डाल के ना जो फैंसी दाल चलती वो चीज़ है। टमाटर की बढ़िया खटास है, पर ढाबा स्टाइल दाल नहीं है, रेस्टोरेंट स्टाइल दाल है। अगर अकेले दाल के फैन हो तो वैसी किक नहीं देगी दाल आपको यहाँ की, पर बढ़िया है, पनीर का मुकाबला नहीं हुआ दाल। आ गया वो भाई गोभी मसाला, ये ढाबा की मस्ट ट्राई है, पूरी फुल ऑफ स्पाइसेस, मज़ेदार तेज तरार फ्लेवर है, तड़के वड़का बढ़िया लगा हुआ है, नज़ारा है इन शॉर्ट। और भाई वीडियो में अपने टीटी अंकल को देखा कि लुक यार मेरे को प्रॉपर ना बॉलीवुड एक्टर जैसी लग रही थी, आप कमेंट जरूर करना आपको कैसी लगी, मेरे को प्रॉपर बॉलीवुड एक्टर, अगर अंकल को केजीएफ के साथ खड़ाया जाए ना तो ऐसे लगा प्रॉपर कि भाई मूवी में आ रहे हैं दोनों के दोनों, और ऐसा कॉम्बो होना भी चाहिए क्यों भाजी। भुवन भाई के टीटू मामा तो देखे होंगे ना भाई, टीटू मामा जितने मशहूर है ना वैसे टीटे अंकल भी मशहूर कर दो, क्योंकि भाई लुक जो है मैं तो हैरान हो गया कि भाई ढाबे वाले भी ऐसे बॉलीवुड जैसे एक्टर लगते हैं। भाई आपको बढ़िया खाना खाना ना, प्राइसेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दिल्ली में रजौरी गार्डन में ना टीटे का ढाबा, बाबे की फुल फुल कृपा, गूगल मार लेना आ जाना, खाना बढ़िया, रात तक बैठे हैं 12 बजे भूख लगेगी, आ जाना आपकी सेवा में हाजिर है, स्वाद कमाल का। और मिलते हैं ऐसे भाई नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और भाई ऐसे ही किसी ना किसी दिन मिल जाएंगे, टकरा जाएंगे खाते खाते।